जुमा के दिन का वाक़ा है। जुमा के 2 बजे यहाँ नमाज जुमा की नमाज लोग अदा कर रहे थे, तो चंद लोग जामे में गए थे नमाज पढ़ने। चूँकि लॉकडाउन है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ना आज बंद है, वो उन लोगों की गलती है, उनको मस्जिद में जाना नहीं था। चलो अब वो चंद लोग मस्जिद में गए गलती से नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं खुद वहाँ नहीं था, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके कहने के मुताबिक वहाँ पर DSP साहब आया, जूता लेके वो मस्जिद में गया, लोग को बोला आप लोग नमाज क्यों पढ़ रहे हो। तो कई लोग वहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी मजहबी जगहों को पामल नहीं करने देते हैं, अब जान देंगे लेकिन किसी को वहाँ गलत करने नहीं देंगे। तो उसके कारण वहाँ पर तोड़फोड़ झगड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी आवाम ने बहुत कोशिश की DSP साहब को बचाने के लिए, कई लोग जख्मी हो गए सिविलियन, DSP साहब को बचाती है बचाती। फिर इन्हीं सिविलियनों ने DSP साहब को लाया अपने पास और पुलिस के हवाले किया। अब देखो इंसानियत का मसला है। तो फिर उसका टाइम था 2 बजे, मैं घर में बैठा, उसके बाद 1 घंटा हो गया, 3 बजे का टाइम है, मैं घर में बैठा हूँ, मेरे पास मेरी बेटी थी, मेरी बीवी थी और एक बच्चा था। तो इतने में पुलिस आ गया, उनके पास गन तो थे लेकिन गन लोगों ने बांध रखे थे, हाथों में हथौड़े थे बस और बिलशे, सिर्फ वो गालियाँ निकाल रहे थे और तोड़फोड़ करने लगे। पहली गाड़ी तोड़ी, फिर मकान तोड़ा। मैं इतना डर गया, मेरी बच्चा रोने लगे, मैंने उनको पीछे वाले कमरे में लिया। उनमें CRP था और पुलिस था, एक साथ थे और SOG वाले थे। उन्हीं लोगों ने यहाँ तमाम मकानों को तोड़फोड़ कर दिया, मकानें जलाई दी, कहीं दुकानों को लूट लिया है। तो मैं सिर्फ यही गवर्नमेंट से आपकी तरफ आपकी वसादत से, मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर मोदी गवर्नमेंट से, जो बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या ये सबका साथ सबका विकास है?